हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले स्केचिंग के जो अगले टूल बार्स आते हैं वो अभी हम देखेंगे। उसके लिए स्टार्ट में मैकेनिकल डिज़ाइन में समझो पार्ट डिजाइनिंग लिया। यहाँ पर पार्ट को क्या नाम देना, नाम दे के रखा, समझो स्केचर टू करके नाम दे के रखा, SKETCHER स्केचर टू करके नाम दे के रखा। तो वैसा नाम यहाँ पर टाइटल बार में आपको दिखाई देता है और वैसा ही यहाँ पर स्पेसिफिकेशन ट्री में भी दिखाई देता है। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन ट्री में अगर स्पेसिफिकेशन ट्री यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस है। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन ट्री दिखना चाहिए नहीं चाहिए वो सेट करना है, तो व्यू में जाके यहाँ पर स्पेसिफिकेशन ट्री यहाँ पर ऑन ऑफ किया जा सकता है या फिर ऑन किया जा सकता है। अभी स्केच बनाना है तो यहाँ पर स्केच टूल बार्स में यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया और यहाँ से कोई भी एक प्लेन सेलेक्ट किया तो उस पर हम स्केच बना सकते हैं। कोई पार्ट को अगर समझो कोई स्केच वगैरह बना लिया, यहाँ पर इसको जूम इन जूम आउट करना है तो यहाँ पर जूम इन जूम आउट अगर करना है तो कंट्रोल प्रेस किया, यहाँ पर एक मिनट जूम इन का बता देता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल प्रेस किया, मिडल माउस प्रेस किया और ड्रैग किया तो जूम इन जूम आउट किया जा सकता है, या फिर शिफ्ट प्रेस किया, मिडल माउस प्रेस किया, ड्रैग किया तो रोटेट भी किया जा सकता है। यहाँ एक अभी लेकिन माउस प्रॉपरली वर्क होना आवश्यक है। अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ये व्यू का टूल बार आता है, इधर से भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर ये टूल बार ऊपर ड्रैग किया, यहाँ से भी रोटेट करना है तो यहाँ पर रोटेट कमांड लिया तो इसको रोटेट वगैरह किया जा सकता है, या फिर जूम इन जूम आउट करना है तो यहाँ पर प्लस पर क्लिक तो जूम इन जूम आउट यहाँ से किया जा सकता है। मैक्सिमाइज जूम करना है तो यहाँ पर फिट ऑल ले लिया तो मैक्सिमाइज जूम यहाँ पर करके देखा जा सकता है। अभी ये प्लेन स्क्रीन को परपेंडिकुलर अगर लाना है तो यहाँ पर नॉर्मल व्यू कमांड लिया, यहाँ पर नॉर्मल व्यू कहाँ पर है, हाँ यहाँ पर नॉर्मल व्यू कमांड लिया तो ये प्लेन स्क्रीन को परपेंडिकुलर लाया जा सकता है। यहाँ पर कैटिया में एक तो स्पेसिफिकेशन ट्री एक्टिवेट रहता है या फिर स्केचर एक्टिवेट रहता है। अगर यहाँ पर स्केचर में काम करना है तो ये स्पेसिफिकेशन ट्री अगर समझो यहाँ पर ये स्केच ड्राइंग में अगर कुछ काम नहीं करना है तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन ट्री पर क्लिक किया तो अभी स्पेसिफिकेशन ट्री में हम जो भी व्यू के कमांड इस्तेमाल हो किए जाएंगे वो स्पेसिफिकेशन ट्री पर अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर ये माइनस किया तो ये स्पेसिफिकेशन ट्री का साइज कम ज़्यादा होता रहता है। वापस यहाँ पर अभी ये पार्ट पर कोई भी कमांड इस्तेमाल नहीं होगा, वही यहाँ पर स्पेसिफिकेशन ट्री के एज पर क्लिक किया या फिर ट्रायड पर क्लिक किया तो यहाँ पर वापस पार्ट का विंडो एक्टिवेट होता है। अभी जूम इन जूम आउट या रोटेट का कोई भी कमांड इस्तेमाल करो वो पार्ट पर अप्लाई होगा, स्पेसिफिकेशन ट्री पर उसका इफेक्ट नहीं होगा। अभी ये स्केच का साइज कम ज़्यादा हो रहा है तो इस तरह से आप पार्ट का साइज या फिर स्पेसिफिकेशन ट्री का साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर ये कैटिया में पार्ट को रोटेट वगैरह करना है तो मिडल माउस प्रेस किया, ड्रैग किया तो रोटेट किया जा सकता है। जूम करना है तो कंट्रोल प्रेस किया, मिडल माउस प्रेस किया और ड्रैग किया तो जूम किया जा सकता है, या फिर रोटेट करना है तो रोटेट अगर करना है तो रोटेट अगर करना है तो कंट्रोल प्रेस किया, मिडल माउस प्रेस किया और राइट ड्रैग किया तो इसको रोटेट किया जा सकता है। जूम करना है तो
मिडिल माउस प्रेस किया, राइट माउस प्रेस करके रखा और ड्रैग किया तो जूम किया जा सकता है। सॉरी, कैटिया में अगर रोटेट करना है तो मिडिल माउस प्रेस किया, राइट माउस प्रेस करके रखा और ड्रैग किया तो रोटेट किया जा सकता है। जूम करना है तो मिडिल माउस प्रेस करके रखा और राइट माउस प्रेस करके रखा तो इसको नहीं, जूम वगैरह करना है तो मिडिल माउस प्रेस करके रखा और लेफ्ट माउस प्रेस करके ड्रैग किया तो जूम इन जूम आउट किया जा सकता है। या फिर मिडिल माउस प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो मिडिल माउस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, नहीं तो दिखाया जा सकता था। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं चल रहा है तो यहाँ पर व्यू टूल बार में से यहाँ पर आप प्लस माइनस पर क्लिक करके जूम इन जूम आउट यहाँ पर कर सकते हो, या फिर रोटेट इधर से भी किया जा सकता है। स्क्रीन को परपेंडिकुलर लाइन है तो नॉर्मल व्यू लिया। बाद में पिछले वीडियो में प्रोफाइल का टूल बार हुआ था, अभी यहाँ पर ऑपरेशन का टूल बार देख लेते हैं। यहाँ पर मतलब स्केच बनाया हुआ है उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो ऑपरेशन का टूल बार यहाँ पर लिया जा सकता है। समझो लाइन वगैरह बना लिया, ये लाइन कमांड सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होता है, कंटिन्यूअसली चलते रहना तो डबल क्लिक किया। यहाँ पर कॉर्नर पे सर्कुलर शेप देना है तो यहाँ पर फिलेट अगर कमांड इस्तेमाल करनी है तो कॉर्नर कमांड यहाँ पर ली जा सकती है। फिलेट को यहाँ पर कॉर्नर बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर कॉर्नर कमांड लिया, यहाँ पर भी स्केच टूल्स का टूल बार जो है वो एक्सपांड होता है और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ट्रिम ऑल एलिमेंट्स लिया तो सभी लाइन्स यहाँ पर ट्रिम हो जाएंगी, ये लाइन सेलेक्ट किया और ये लाइन सेलेक्ट किया। यहाँ पर रेडियस कितने का रखना है वो यहाँ पर सेट किया जा सकता है। टैब प्रेस किया तो वैल्यू यहाँ पर दी जा सकती है, समझो 3 का रेडियस देना है तो 3 का रेडियस यहाँ पर तैयार किया जाएगा। यहाँ पर कॉर्नर कमांड लिया, यहाँ पर कॉर्नर्स वैसे ही रखना है तो यहाँ पर नो ट्रिम ऑप्शन चालू रखा तो आगे वाला लाइन्स वैसा ही रहता है, तो यहाँ पर कॉर्नर से फिलेट तैयार हो जाएगा लेकिन आगे वाला लाइन वैसा ही रहेगा। कोई भी कमांड लेते हो तो यहाँ पर स्केच टूल्स का टूल बार एक्सपांड होता है और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, आप एक एक ट्राई करके देख सकते हो। बाद में वैसा ही चैम्फर वगैरह देना है तो चैम्फर कमांड लिया जा सकता है। यहाँ पर भी ये चैम्फर कैसा देना है, ट्रिम ऑल एलिमेंट्स लिया तो सभी लाइन्स यहाँ पर ट्रिम हो जाएंगी, ये लाइन सेलेक्ट किया और ये लाइन सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ये ट्रिम हो जाएगा। ये भी कैसा देना है, डिस्टेंस डिस्टेंस से देना है या फिर एंगल डिस्टेंस से देना है, वो यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है। समझो फर्स्ट एंड सेकंड लेंथ लिया तो दोनों साइड में डिस्टेंस आपको देना पड़ेगा, इसका भी वैल्यू यहाँ पर टैब प्रेस करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर टैब प्रेस किया, यहाँ पर फर्स्ट लेंथ 2 का रखा, सेकंड लेंथ वो भी 2 का रखा तो 2 का चैम्फर यहाँ पर तैयार किया जाएगा। यहाँ पर चैम्फर कमांड लिया, आगे वाला लाइन वैसा ही रखना है तो यहाँ पर नो ट्रिम ऑप्शन चालू रखा तो आगे वाला लाइन वैसा ही रहता है, ये लाइन लिया ये लाइन लिया तो ये आगे वाला लाइन वैसा ही रहेगा। काफ़ी सारे ऑप्शन है, एक एक ट्राई करके देख सकते हो। बाद में अगला आता है किसी कमांड के बाजू में एरो का सिंबल है, मतलब समझ में नहीं आने का कि उसके अंदर और कमांड हो सकते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन आता है ट्रिम कमांड, नहीं यहाँ पर ट्रिम कमांड लिया, ट्रिम कमांड लिया तो यहाँ पर आगे वाला लाइन कट हो जाएगा। समझो ये लाइन लिया और ये लाइन लिया तो आगे वाला लाइन यहाँ पर ट्रिम किया जाता है। यहाँ पर ट्रिम में भी ऑप्शंस है, यहाँ पर ट्रिम कमांड लिया, सिर्फ ट्रिम कमांड लिया तो जो सिलेक्ट करते हैं वो वैसा ही रहता है, आगे वाला लाइन कट होता है।
यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन कट करना है, तो ट्रिम फर्स्ट एलिमेंट लिया, तो जो पहला सिलेक्ट किया जाएगा वही ट्रिम होता है। समझो ये लाइन सिलेक्ट किया और बाद में ये दूसरा लाइन सिलेक्ट किया, तो सिर्फ पहला ही लाइन ट्रिम होगा, दूसरा लाइन वैसा ही रहता है। यहाँ पर एक्सटेंड कमांड अलग से नहीं दिया हुआ है, अगर लाइन बढ़ाना है तो ट्रिम कमांड ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रिम कमांड लिया, ये लाइन सिलेक्ट किया और ये लाइन सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर ये लाइन आगे एक्सटेंड भी होती है, ट्रिम एक्सटेंड अलग से कमांड नहीं है इसमें कैटिया में। बाद में कोई लाइन एक जगह पर ब्रेक करनी है तो यहाँ पर ब्रेक कमांड लिया जा सकता है, ब्रेक कमांड लिया। यहाँ पर स्टेटस बार में मैसेज दिखाता है सिलेक्ट द एलिमेंट टू बी ब्रोकन एट ए सर एट ए कॉमन पॉइंट। समझो ये पॉइंट सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर सिलेक्ट ब्रेकिंग एलिमेंट लिया, ये ब्रेकिंग एलिमेंट लिया, तो ये लाइन यहाँ पर ब्रेक हुई रहेगी, ये लाइन अलग रहती है, ये लाइन अलग रहती है। कोई लाइन अभी डिलीट करना है तो डिलीट किया जा सकता है। वैसे कोई लाइन अगर डिलीट करनी है तो यहाँ पर सिलेक्शन से बाहर निकलना है तो एस्केप लिया जा सकता है। यहाँ पर क्विक ट्रिम लिया, जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे वो ट्रिम होता है। यहाँ पर क्विक ट्रिम लिया, तो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर ट्रिम किया जा सकता है, तो जो सिलेक्ट करेंगे वो ट्रिम किया जाएगा। वैसे कोई आर्क वगैरह बनाया है उसको क्लोज करना है तो यहाँ पर आर्क वगैरह यहाँ पर लिया जा सकता है। यहाँ पर आर्क बनाया और इसको क्लोज करना है तो यहाँ पर क्लोज ऑप्शन लिया, तो क्लोज आर्क यहाँ पर बनाया जा सकता है, तो इस आर्क का पूरा सर्कल यहाँ पर बनाया जा सकता है। इस कमांड के ऊपर अगर इसको बाहर ड्रैग करते तो इससे अलग टूलबार तैयार किया जाएगा। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑप्शन लेते हैं, समझो यहाँ पर कोई आर्क वगैरह बना लिया, इसका उल्टा इमेज बनाना है तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लिया जा सकता है, तो इस आर्क का उल्टा इमेज यहाँ पर तैयार किया जाएगा, वो निकल जाता है और उल्टा इमेज तैयार किया जाता है। बहुत बार ड्राइंग जो है वो सिमेट्रिकल रहता है, ऐसे में मिरर यहाँ पर ली जा सकती है। यहाँ पर सेंटर लाइन बनाए, यहाँ पर मिरर कमांड लिया, यहाँ पर मिरर कमांड लिया और बाद में ये सेंटर लाइन सिलेक्ट किया, तो इसका उल्टा इमेज यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर ये कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करना है तो यहाँ पर इसको ड्रैग कर तो इसको मूव किया जा सकता है, एक मूव किया जाता है तो दूसरा भी उसके साथ ही यहाँ पर मूव होता है, क्योंकि इसे मिरर यहाँ पर किया हुआ है। वैसे ही यहाँ पर अगर सेंटर लाइन बना लिया, यहाँ पर ओरिजिनल निकल जाना है तो यहाँ पर ये सिमेट्री लिया जा सकता है, तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर सिमेट्री लिया और ये लाइन सिलेक्ट किया, तो ओरिजिनल निकल जाता है, या फिर ओरिजिनल इरेज किया जाता है। अगला है ट्रांसलेट कमांड, मू को यहाँ पर ट्रांसलेट बोला जाता है। समझो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बनाया, समझो ये सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, कंट्रोल ले लेके और यहाँ पर डिलीट बटन प्रेस किया, यहाँ पर रेक्टेंगल वगैरह बना लिया, यहाँ पर सर्कल वगैरह बनाते हैं, इसको मूव करना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट गलत जगह पर बनाया हुआ उसको मूव करना है तो यहाँ पर ट्रांसलेट कमांड लिया जा सकता है, यहाँ पर ट्रांसलेट कमांड लिया तो इसको मूव किया जा सकता है। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर स्टेटस बार में पूछता है सिलेक्ट और क्लिक ट्रांसलेशन स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट के लिए स्टार्ट पॉइंट लिया,
जब भी अंदर का दूसरा सर्कल फील्ड रहता है तभी वो अंदर का सर्कल फील्ड रहता है तभी वो कॉपी करता है। ओके, यहाँ पर जिधर क्लिक करेंगे उधर वो कॉपी करते जाएगा। सॉरी, मूव होगा, अंदर का सर्कल फील्ड रहता है तो उस सर्कल का एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट रहता है। यहाँ पर कंट्रोल जेड लेता हूँ और एक बार बताता हूँ। यहाँ पर ट्रांसलेट कमांड लिया, डुप्लीकेट इंस्टेंसेस वन ही रखा, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, सेंट यहाँ पर सिलेक्ट और क्लिक ट्रांसलेशन स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट के लिए इसका सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया तो इसका मूव किया जा सकता है तो ओरिजिनल निकल जाएगा। वैसे ही ओरिजिनल वैसे ही रखना है तो यहाँ पर ट्रांसलेशन में कॉपी इंस्टेंसेस लिया जा सकता है। यहाँ पर ट्रांसलेशन के लिए ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर ट्रांसलेट कमांड लिया, यहाँ पर ट्रांसलेशन डुप्लीकेट मोड ऑन रखा है तो कॉपी तैयार हो जाएगा तो ओरिजिनल वैसा रहता है। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, सेंटर पॉइंट के लिए इसका सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया तो इसका कॉपी तैयार होगा। कितनी दूरी पर कॉपी करनी है वो यहाँ पर वैल्यू दिया जा सकता है। समझो 50 की दूरी पर बनानी है तो 50 की दूरी पर तैयार होती है। ये भी आपको जजमेंट आना चाहिए कि ये लाइन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल में है, एंगल में रहेगा तो थोड़ा सा एंगल में तैयार होगा, या फिर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में जब भी लाइन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल दिखते तो वो हॉरिजॉन्टल में स्ट्रेट लाइन में वो कॉपी होता है। यहाँ पर एरे कमांड अलग से नहीं दिया हुआ है, आपको ट्रांसलेट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको डिलीट करते हैं, समझो यहाँ पर इसको डिलीट, यहाँ पर कॉपी करना है, इसका एरे बनाना है तो यहाँ पर ट्रांसलेट कमांड लिया, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, सेंटर पॉइंट के लिए सेंटर पॉइंट लिया, यहाँ पर कितना क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी यहाँ पर सेट कर लिया, 2, 3, 4 कितना क्वांटिटी चाहिए वो सेट कर लिया, इनके बीच का डिस्टेंस कितना चाहिए वो यहाँ पर सेट किया जा सकता है। टैब प्रेस किया तो वैल्यू यहाँ पर दी जा सकती है। समझो 20 की दूरी पर बनानी है तो 20 की दूरी सेट किया तो वैसा वो 20 की दूरी पर 4 ऑब्जेक्ट यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। एरे कमांड अलग से नहीं दिया है, ट्रांसलेट ही आपको इस्तेमाल करना है। वही ऊपर भी ट्रांसलेट करना है तो वापस और एक बार आपको ट्रांसलेट इस्तेमाल करना पड़ेगा। बेस पॉइंट के लिए ये सेंटर पॉइंट लिया और यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर भी डिस्टेंस आपको देना है, टैब प्रेस किया तो वैल्यू यहाँ पर फीड किए जा सकते हैं। यहाँ पर इधर वैल्यू दी जा सकती है, यहाँ पर वैल्यू कितनी दूरी पर बनानी, समझो 30 की दूरी पर बनानी तो 30 टाइप किया तो 30 की दूरी पर वैल्यू यहाँ पर तैयार की जा सकती है। रोटेट के लिए अलग से कमांड नहीं दिया हुआ है, वैसे ही रोटेट का भी है। यहाँ लाइन गलती से सिलेक्ट हुआ रहेगा वो डिलीट करना पड़ेगा अभी, ये डिलीट किया, ये भी डिलीट कर लिया। रोटेट वगैरह करना है, समझो यहाँ पर कोई सर्कल वगैरह बना लिया और यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया, इसको रोटेट वगैरह करना है तो यहाँ पर रोटेट कमांड लिया, ये ऑब्जेक्ट पहला सिलेक्ट करना पड़ेगा और बाद में यहाँ पर रोटेट कमांड लिया, यहाँ पर रोटेट कमांड लिया। डुप्लीकेट मोड ऑफ रखा जाता है तो ये सिर्फ सर्कुलर में मूव किया जाएगा। यहाँ पर क्या पूछता है, सिलेक्ट और क्लिक रोटेशन सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट के लिए इस सर्कल का सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट यहाँ पर लेना पड़ेगा। कर्सर अगर इस सर्कल पर लेकर जाते हैं तो इसका सेंटर पॉइंट मिलता है क्या देखना पड़ेगा। ये सेंटर पॉइंट लिया,
तो इस सेंटर पॉइंट पर वो रोटेट होता जाएगा। यहाँ पर स्नैप मोड ऑन रहता है तो स्पेसिफिक एंगल पर ही वो रोटेट हो जाएगा, 5-10 ऐसा डिग्री में ही वो रोटेट होगा। तो कितना एंगल चाहिए उतना एंगल पर यहाँ पर आप रोटेट कर सकते हो। समझो 90 डिग्री में चाहिए तो 90 डिग्री सेट किया। ओरिजिनल वैसा ही रखना है तो डुप्लीकेट मोड ऑन रखा जा सकता है, तो इसका कॉपी होता जाएगा। अगर एरे बनाना है तो यहाँ पर डुप्लीकेट इंस्टेंसेस आपको बढ़ाना पड़ेगा, 2, 3, 4 कितना चाहिए वो आपको सेट करना पड़ेगा। ये एंगल समझो कम कर लिया, तो वैसा यहाँ पर एरे आप बना सकते हो। यहाँ पर समझो एंगल कम कर लिया, कितना क्वांटिटी चाहिए कितना वैसा क्वांटिटी यहाँ पर दिया जा सकता है, 5-6 कितना क्वांटिटी चाहिए वैसा यहाँ पर दिया जा सकता है। इसका साइज रोटेट हो गया। बाद में साइज अगर कम ज्यादा करना है तो स्केल का इस्तेमाल किया जा सकता है। समझो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना है, इसका साइज अगर कम ज्यादा करना है तो स्केल का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्केल कमांड लिया, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो इसका स्केल किया जा सकता है। डुप्लीकेट मोड ऑन रहता है तो ओरिजिनल वैसा रहेगा, डुप्लीकेट मोड ऑफ रखा जाता है तो इसका सिर्फ स्केल किया जाएगा। यहाँ पर क्या पूछता है स्टेटस बार में देखना पड़ेगा, सिलेक्ट और क्लिक स्केलिंग सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट के लिए यहाँ पर सेंटर पॉइंट वगैरह सिलेक्ट किया। स्केल फैक्टर समझो एक से ज़्यादा लिया तो साइज बढ़ता है, एक से कम रखा तो साइज घट जाता है। समझो स्केल फैक्टर समझो यहाँ पर 2 रखा तो साइज डबल हो जाएगा, 0.5 लिया तो आधा हो जाएगा। बाद में स्केल लिया, ऑफसेट वगैरह देना है किसी लाइन का, ऑफसेट वगैरह देना है तो यहाँ पर ऑफसेट एंटिटीज बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक लाइन बनाया, यहाँ पर ऑफसेट एंटिटीज लिया तो ऑफसेट यहाँ पर दिया जा सकता है। ये लाइन सिलेक्ट किया तो इसका ऑफसेट यहाँ पर बनाया जाएगा। ये कितनी दूरी पर देना है वैसा ऑफसेट यहाँ पर वैल्यू आप सेट कर सकते हो। टैब प्रेस किया तो यहाँ पर ऑफसेट डिस्टेंस दिया जा सकता है। समझो 10 दिया तो 10 की दूरी पर वो ऑफसेट हो जाएगा। ये भी दोनों 10 दिया, एंटर दिया तो 10 की दूरी पर वो ऑफसेट हो जाएगा। लाइन सिलेक्ट किया तो लाइन ऑफसेट होता है, रेक्टेंगल सिलेक्ट किया तो पूरा रेक्टेंगल यहाँ पर ऑफसेट हो जाएगा। यहाँ पर ऑफसेट एंटिटीज लिया, यहाँ पर ऑफसेट लिया, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर डिस्टेंस दे के रखना पड़ेगा, 15 का डिस्टेंस है कितना चाहिए वो सेट कर लिया तो वैसा ऑफसेट किया जाएगा। नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना चाहिए वो यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, 10 लिया तो 10 की दूरी पर वो ऑफसेट हो जाएगा। लाइन सिलेक्ट है तो लाइन ऑफसेट होता है, लेकिन क्लोज ऑब्जेक्ट रहेगा तो पूरा ऑब्जेक्ट ऑफसेट किया जाएगा। अगला आता है समझो यहाँ पर प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट्स। प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट क्या करता है कि पार्ट बनाते वक्त जो भी एजेस पार्ट का एजेस प्लेन पर प्रोजेक्ट करना है तो वैसा प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट यहाँ पर बनाया जा सकता है। यहाँ पर कोई भी पार्ट सिलेक्ट किया, ओके, यहाँ पर कोई भी पार्ट सिलेक्ट किया। इसका प्रोजेक्शन कुछ दूरी पर अगर प्लेन बनाते हैं, अगर प्लेन बनाना है तो यहाँ पर प्लेन कमांड लिया, ये फेस सिलेक्ट किया, इससे कुछ दूरी पर प्लेन यहाँ पर बना लिया। उसका एजेस अगर इस प्लेन पर तैयार होना चाहिए तो यहाँ पर स्केच में गए, ये प्लेन सिलेक्ट किया और यहाँ पर एजेस वगैरह बनाना है तो यहाँ पर एजेस वगैरह बनाया जा सकता है। यहाँ पर प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट लिया, ये फेस सिलेक्ट किया तो इसका प्रोजेक्शन इस प्लेन पर लिया जा सकता है। तो डायरेक्टली एजेस आप बना सकते हो, उसके लिए प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट का इस्तेमाल होता है। किसी पार्ट की वजह से अगला आता है इंटरसेक्ट 3D एलिमेंट। किसी पार्ट के बीच में से प्लेन जा रहा है, यहाँ पर एक मिनट,
यहाँ पर किसी पार्ट में से प्लेन अगर पास हो रहा है तो उस प्लेन की वजह से फेस पर एजेस तैयार होना है, तो यहाँ पर उसके लिए इंटरसेक्ट 3D एलिमेंट लिया जा सकता है। समझो ये इस केस से बाहर निकलते हैं, समझो ये फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया, इसको रोटेट कर लिया, ओके, और यहाँ पर इंटरसेक्ट 3D एलिमेंट लिया, ये प्लेन सिलेक्ट किया, तो इस प्लेन की वजह से इस पार्ट पर एजेस तैयार हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर इस प्लेन की वजह से यहाँ पर एजेस तैयार हुआ आपको दिखाई देता है। यहाँ पर और अच्छी तरह से बताता हूँ, यहाँ पर फाइल ओपन, यहाँ पर समझो कोई सॉलिड पार्ट बनाया हुआ है ना, दूसरा कोई पार्ट लेते, यहाँ पर कुछ दूरी पर प्लेन बना लेते हैं, या फिर यहाँ से कुछ दूरी पर प्लेन बना लिया, ये प्लेन बीच में से जा रहा है, इस प्लेन की वजह से यहाँ पर एजेस तैयार होना है, तो यहाँ पर वैसा भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक है, ये प्लेन सिलेक्ट किया, यहाँ पर इस प्लेन स्क्रीन को परपेंडिकुलर लाना है तो नॉर्मल व्यू लिया, यहाँ पर ये प्लेन सिलेक्ट किया, शायद वाज ऑल विंडो, कैंसिल करता हूँ, यहाँ पर कोई फाइल बना लेता हूँ, यहाँ पर ओपन ओपन किया, कोई भी पार्ट ओपन किया, समझो यहाँ पर कुछ दूरी पर प्लेन बना लिया, यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया और ये प्लेन सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये मिडल प्लेन की वजह से यहाँ पर एजेस तैयार होना है, तो यहाँ पर
यहाँ पर इंटरसेक्ट 3D एलिमेंट लिया और ये प्लेन सिलेक्ट किया, ये बीच का प्लेन सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर एजेस तैयार हुआ दिखा देता है। ये भी काफ़ी लंबा हो रहा है, समझो ये नहीं चाहिए, ये डिलीट कर लेता हूँ, समझो ये एज सिलेक्ट किया, इंटरसेक्ट 3D एलिमेंट लिया, तो यहाँ पर एजेस तैयार हुआ, ये प्लेन की वजह से यहाँ पर एजेस तैयार हुआ दिखाई देता है। ये भी स्क्रीन को, ये भी प्लेन स्क्रीन को परपेंडिकुलर रखना है तो नॉर्मल व्यू लिया, तो यहाँ पर एजेस तैयार हुआ हमको दिखाई दे सकता है, काफ़ी लंबा हो गया। एजेस की वजह से प्लेन तैयार हुआ, एक मिनट, तो उसके लिए इंटरसेक्ट 3D एलिमेंट इस्तेमाल होता है, वैसा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, कोई सर्कुलर पार्ट रहेगा तो यहाँ पर प्रोजेक्ट 3D सिल आउट एजेस लिया जा सकता है, समझो यहाँ पर। और सर्कुलर पार्ट लेना पड़ेगा, नहीं तो बनाना पड़ेगा, पार्ट नहीं है शायद तो बनाना पड़ेगा। यहाँ पर कंट्रोल न्यू लिया, यहाँ से भी पार्ट, अगर कोई नया पार्ट बनाना है तो यहाँ पर स्टार्ट में से यहाँ से वर्कबेंच चेंज किया जा सकता है, या फिर यहाँ पर न्यू कमांड लिया, कंट्रोल एंड शॉर्टकट किया है, और यहाँ से पार्ट ऑप्शन लिया तो सॉलिड पार्ट यहाँ पर बनाया जा सकता है, यहाँ पर पार्ट ऑप्शन भी, तो यहाँ सॉलिड पार्ट बनाया जा सकता है। ये भी शीट मेटल का वर्कबेंच है, अगर सॉलिड पार्ट बनाना है तो यहाँ पर वर्कबेंच आपको चेंज करना पड़ेगा, स्टार्ट यहाँ पर मैकेनिकल डिज़ाइन, यहाँ पर पार्ट डिज़ाइन मिलेगा, तो पार्ट डिज़ाइनिंग का वर्कबेंच यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर पैड कमांड लिया, स्केच बटन पर क्लिक किया और यहाँ से प्लेन सेलेक्ट किया, और यहाँ से कोई भी पार्ट बना लिया, सर्कुलर पार्ट वगैरह कोई भी बना लिया, यहाँ पर स्केचर में गए और यहाँ से इसको एक्सट्रूड किया, ओके दिया, यहाँ पर इस एजेस की वजह से यहाँ पर पार्ट ये प्लेन पर एजेस तैयार होना है, तो यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया और ये प्लेन सेलेक्ट किया, और एजेस तैयार होना है तो यहाँ पर प्रोजेक्ट 3D सिल आउट एजेस लिया, ये पार्ट सेलेक्ट किया, ओके दिया, तो एजेस इस प्लेन पर तैयार हो जाता है, इसको रोटेट किया तो यहाँ पर एजेस तैयार हुआ, इसके बाहरी सर्कुलर पार्ट के बाहरी एजेस से यहाँ पर लाइंस तैयार हुआ यहाँ पर दिखाई दे सकता है। स्केच से बाहर निकलना है तो एग्जिट वर्कबेंच लिया, तो स्केच से बाहर निकला जा सकता है। बाद में यहाँ पर पार्ट सेलेक्ट किया, अभी स्केच वगैरह बनाना है, यहाँ पर स्केच कमांड लिया, यहाँ पर प्रोफाइल टूल बार, ऑपरेशन प्रोफाइल पहले ही बताया था, अभी ऑपरेशन टूल बार बताया, आगे का कॉन्स्टेंट टूल बार एक आता है, यहाँ पर समझो कुछ स्केच वगैरह बना लिया,
यहाँ पर कांस्टेंट डिफाइंड इन डायलॉग बॉक्स, यहाँ पर कोई तो भी ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर कांस्टेंट डिफाइंड इन डायलॉग बॉक्स यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर समझो ये लाइन सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पर एक्टिवेट होता है। ये लाइन का अगर दो पॉइंट अगर सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर इस लाइन को कौन कौन से कॉन्स्टेंट दिए जा सकते हैं वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर ये डायमेंशनल कॉन्स्टेंट आते हैं, ये कौन सा है, सिमेट्रिकल सेमी सर्कुलर एक्सिस तक यहाँ पर डायमेंशनल कॉन्स्टेंट आता है, आगे का ज्योमेट्रिकल कॉन्स्टेंट आता है। समझो यहाँ पर दो पॉइंट लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्रेस किया, ये पॉइंट लिया, तो इनके बीच में अगर डिस्टेंस देना है तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट डेफिनेशन डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर डिस्टेंस ऑप्शन दिया, तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर दिया जा सकता है। लेंथ अगर मापना है तो ये लेंथ सिलेक्ट किया, कॉन्स्टेंट डेफिनेशन डायलॉग बॉक्स पर क्लिक किया, तो इसका लेंथ यहाँ पर दिया जा सकता है। कैसा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे वैसा कॉन्स्टेंट यहाँ पर दिखाई देगा। समझो यहाँ पर दो लाइन बनाया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, इनके बीच का अगर डायमेंशन देना है, एक से ज़्यादा सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्रेस करके इसके बीच का डिस्टेंस या फिर एंगल यहाँ पर दिया जा सकता है। एंगल लिया तो इनके बीच का यहाँ पर एंगल आप दे सकते हो। या फिर ये लाइन सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस के ये लाइन सेलेक्ट किया, कांस्टेंट डिफाइंड में से यहाँ पर एंगल ऑप्शन लिया, तो वापस ये एंगल आ रहा है, इधर का एंगल देना है, ये लाइन सेलेक्ट किया और ये लाइन सेलेक्ट किया, कांस्टेंट डेफिनेशन में एंगल लिया। जो ये एंगल डिलीट करते हैं, यहाँ पर ये लाइन सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस के ये लाइन सेलेक्ट किया, यहाँ पर कांस्टेंट डेफिनेशन में एंगल ऑप्शन लिया, ये बाहर का ही तैयार हो रहा है। यहाँ पर का एंगल आपको दिखाई देगा, ये एंगल सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इधर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं तो देखना पड़ेगा। लॉक पैरामीटर, यहाँ पर ये दो लाइन के बीच का एंगल देखना है, तो यहाँ पर ये लाइन चाहिए तो पहला सेलेक्ट करते हैं, ये लाइन सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये लाइन सेलेक्ट किया, कांस्टेंट डेफिनेशन में एंगल लिया, वापस इधर का ही एंगल दिखा रहा है। न तो ये 180 डिग्री है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर इसका 180 में से ये एंगल माइनस किया तो इधर का एंगल मिल जाएगा। यहाँ पर ये सेक्टर वन है, सेक्टर टू अगर लेते हैं तो इधर का मिल जाएगा, सेक्टर थ्री लेते तो इधर का मिल जाएगा। हाँ यहाँ पर सेक्टर आपको चेंज करना पड़ेगा, तो इधर का एंगल आप ले सकते हो। ये लाइन दिया और ये लाइन दिया, अभी समझो ये लाइन यहाँ पर सेलेक्ट किया और आगे कौन सा है, समझो रेडियस या एंगल हो गया, कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसको डायमीटर या रेडियस देना है, तो रेडियस डायमीटर यहाँ पर सेलेक्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पर ये डायमीटर के तौर पर दिखाएगा, ये रेडियस के तौर पर दिखाना है तो ये डायमेंशन सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर डिस्प्ले एज रेडियस लिया, यहाँ पर डेफिनेशन में कुछ मिलता है, हाँ यहाँ से डायमीटर की जगह रेडियस से लिख किया, तो यहाँ पर ये रेडियस के तौर पर यहाँ पर डायमेंशन दिखाया जा सकता है। अभी ये लाइन सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस के ये लाइन सेलेक्ट किया, यहाँ पर कांस्टेंट डेफिनेशन में गए,
कोई एलिप्स वगैरह बना लिया, तो सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस यहाँ पर लिया जा सकता है। यहाँ पर एलिप्स कमांड लिया, सेंटर पॉइंट लिया, सेंटर पॉइंट लिया, यहाँ पर मेजर रेडियस लिया और बाद में ये माइनर रेडियस लिया, तो एलिप्स यहाँ पर बनाया जा सकता है। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस यहाँ पर सेलेक्ट किया जा सकता है। इसका रेडियस कितना चाहिए वो यहाँ पर सेट किया जाएगा, समझो 40 का चाहिए तो 40 सेट किया, इसका डायमीटर कितना चाहिए 160 का चाहिए तो 160 सेट, वैसा डायमीटर यहाँ पर दिया जा सकता है। बाद में कोई लाइन वगैरह बना लिया, ये लाइन सेलेक्ट किया, इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करना है। यहाँ पर अगला है सिमेट्री, समझो यहाँ पर बीच में एक सेंटर लाइन बना ली, यहाँ पर समझो यहाँ पर एक सेंटर लाइन बना लिया। ये लाइन से दोनों पॉइंट समान दूरी पर रखने हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया और यहाँ से ये सेंटर लाइन लिया, तो यहाँ पर ये सिमेट्रिकल किया जा सकता है। यहाँ पर ये पॉइंट लिया, कंट्रोल प्रेस किया, ये पॉइंट लिया और ये सेंटर लाइन लिया और यहाँ पर ये सिमेट्री लिया, तो ये ऑब्जेक्ट समान दूरी पर रहते हैं, मतलब ये पॉइंट अगर राइट साइड में ड्रैग किया जाता है तो वैसा लेफ्ट साइड का भी पॉइंट यहाँ पर ड्रैग किया जाएगा। बहुत बार एक तो मिरर कर सकते हो या फिर सिमेट्री किसी दो पॉइंट में दिया जा सकता है। कोई भी पॉइंट दूसरे लाइन के मिड पॉइंट पर सेट करना है, तो यहाँ पर ये पॉइंट सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये लाइन सेलेक्ट किया और ये यहाँ पर मिड पॉइंट पर सेट कर लिया, तो ये पॉइंट जो है वो इस लाइन के मिड पॉइंट पर एग्जैक्टली सेट किया जाएगा। बाद में ये पॉइंट सेलेक्ट किया, कॉन्स्टेंट डेफिनेशन पर गए, यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस पॉइंट लिया, समझो यहाँ पर कोई भी पॉइंट और दो पॉइंट से समान दूरी पर रखना है तो वैसे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट लिया जा सकता है, समझो ये पॉइंट लिया या फिर यहाँ पर एक लाइन बनाए, यहाँ पर एक लाइन बनाए, ये पॉइंट लिया, कंट्रोल प्रेस किया, ये पॉइंट लिया और यहाँ पर ये पॉइंट सेलेक्ट किया, यहाँ पर कांस्टेंट डेफिनेशन में इक्वी डिस्टेंस पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट इन दो पॉइंट से समान दूरी पर रहता है। बाद में कितने भी डायमेंशन या कांस्टेंट दे दो, ये ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है तो ऐसे में लास्ट ऑप्शन है कि उसको फिक्स किया जा सकता है। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पर कांस्टेंट डेफिनेशन में इसको फिक्स किया, तो वो अपनी जगह पर फिक्स रहता है, अभी उसको मूव नहीं किया जा सकता। आप कितने भी कांस्टेंट या डायमेंशन दे दो, वो अगर मूव हो रहा है तो ऐसे में उसको लास्ट ऑप्शन है कि उसको फिक्स किया जा सकता है। ये लाइन सेलेक्ट करो, कांस्टेंट डेफिनेशन में जाओ, यहाँ पर कोइंसिडेंस दिया, दो पॉइंट अगर ज्वाइन करना है तो कोइंसिडेंस यहाँ पर लिया जा सकता है, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया और यहाँ पर कांस्टेंट डेफिनेशन में यहाँ पर कोइंसिडेंस लिया, तो दोनों पॉइंट यहाँ पर ज्वाइन किए जाएंगे, या फिर ये पॉइंट सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, यहाँ पर कांस्टेंट डेफिनेशन में ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड किए जा सकते हैं। दोनों पॉइंट अगर मर्ज करने तो वैसा कोइंसिडेंस किया जा सकता है। वैसा ही यहाँ पर सर्कुलर ऑब्जेक्ट रहेगा, समझो दो तीन सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाए, यहाँ पर एक सर्कुलर पार्ट बनाए, वैसा ही यहाँ पर एक सर्कुलर पार्ट बनाए, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्सेंट्रिक करना है, तो ये सर्कल सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये सर्कल सेलेक्ट किया और यहाँ पर कांस्टेंट डेफिनेशन में
कॉन्सेंट्रिसिटी सेट किया तो दोनों सर्कल का एक्सिस सेम हो जाएगा, एक दूसरे को कॉन्सेंट्रिक किया जा सकते हैं। अगला है टेंजेंसी, समझो यहाँ पर एक सर्कल बना लिया और यहाँ पर एक लाइन बना, ये सर्कल को ये लाइन टेंजेंट करनी है, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये लाइन सिलेक्ट किया, यहाँ पर कॉन्स्टेंट डेफिनेशन में इसको टेंजेंसी सेट किया, तो ये लाइन इस सर्कल को टेंजेंट बनाई जा सकती है। अगला है दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल करनी है, तो वैसा पैरेललिज्म दिया जा सकता है, समझो ये लाइन सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये लाइन सिलेक्ट किया, यहाँ पर कॉन्स्टेंट डेफिनेशन में यहाँ पर पैरेललिज्म सेट किया, तो दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल यहाँ पर बनाई जा सकती है, तो पैरेललिज्म का कॉन्स्टेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। समझो ये लाइन सिलेक्ट किया, यहाँ पर परपेंडिकुलरिटी अगर देनी है, समझो यहाँ पर ये लाइन बनाए, बाद में यहाँ पर ये लाइन बनाए, यहाँ पर ये लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर अगर करनी है तो ये लाइन सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस करने से एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर परपेंडिकुलरिटी सेट की जा सकती है, तो दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर बनाए जा सकते हैं। कोई लाइन हॉरिजॉन्टल करनी है तो परपेंडिकुलरिटी का कांस्टेंट यहाँ पर देखने को मिला, कैंसिल किया इसकी वजह से वो निकल गया, समझो यहाँ पर एक लाइन बनाई है। यहाँ पर एक लाइन बनाई है, इसको अगर हॉरिजॉन्टल करना है तो ये लाइन सिलेक्ट किया, कांस्टेंट डेफिनेशन में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ऑप्शन लिया, तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल की जा सकती है, तो वैसा हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा तो ही वो डायलॉग बॉक्स एक्टिवेट होता है। यहाँ पर अगर वर्टिकल करना है, किसी लाइन को वर्टिकल करनी है तो वैसा वर्टिकल यहाँ पर बनाई जा सकती है, ये लाइन सिलेक्ट किया, कांस्टेंट डेफिनेशन में यहाँ पर वर्टिकल कांस्टेंट लिया, तो ये लाइन वर्टिकल की जा सकती है। तो वैसा कांस्टेंट यहाँ पर तैयार होते जाएंगे। अगला है कांस्टेंट, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर डायमेंशनल कांस्टेंट आपको देना है तो यहाँ पर कांस्टेंट टूल बार में यहाँ पर कांस्टेंट का बटन आता है, तो इससे आप डायमेंशन दे सकते हो, ये भी डायमेंशन सिर्फ एक ही बार दिया जाता है, ये अगर कंटिन्यूअसली चलते रहना तो इसके ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा, तो ये कमांड कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। ओके, तो वैसा डायमेंशन आप दे सकते हो, ये लाइन लिया, ये लाइन लिया, बाद में ये लाइन सिलेक्ट किया, तो वैसा डायमेंशन दिया जा सकता है। अगर दो पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, एक से ज़्यादा दो पॉइंट यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो उन दो पॉइंट के बीच में डायमेंशन दिया जा सकता है। लाइन सिलेक्ट करते हो तो लाइन का डायमेंशन आएगा, दो पॉइंट सिलेक्ट करते हो तो दो पॉइंट का डायमेंशन आ जाएगा, तो ये कमांड कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। वैसे ही कांटेक्ट कांस्टेंट अगर देना है, मतलब टेंजेंसी या फिर कोइंसिडेंस कांस्टेंट अगर फास्ट आपको इस्तेमाल करना है, ये डायलॉग बॉक्स में ना जाके अगर फास्ट में इस्तेमाल करना है तो कांटेक्ट कांस्टेंट आप ले सकते हो। यहाँ पर कांटेक्ट कांस्टेंट लिया, ये सर्कल लिया और बाद में ये लाइन लिया, तो ये सर्कल इस लाइन को टेंजेंट हो जाएगा, या फिर यहाँ पर कांटेक्ट कांस्टेंट लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया और बाद में ये पॉइंट सिलेक्ट किया, तो ये दोनों कोइंसाइड किया जा सकता है, इसके लिए कांटेक्ट कांस्टेंट इस्तेमाल होते हैं। अगला आता है फिक्स टुगेदर, कुछ भी हो जाए दोनों ऑब्जेक्ट साथ में मूव होना चाहिए ऐसा अगर आपको लगता है तो फिक्स टुगेदर यहाँ पर लिया जा सकता है। फिक्स टुगेदर लिया, ये लाइन लिया और ये सर्कल सिलेक्ट किया, तो दोनों यहाँ पर फिक्स किए जाएंगे, तो मूव करते वक्त दोनों साथ में मूव हो जाएंगे। ओके,
कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करते हैं तो उसके साथ दूसरा भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव हो जाएगा। यहाँ पर ये फिक्स टुगेदर है, समझो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करते हैं, या फिर दूसरा ऑब्जेक्ट देखते हैं, समझो यहाँ पर फिक्स टुगेदर लिया, ये एलिप्स लिया, कंट्रोल प्रेस करके ये लाइन लिया, ओके दिया, तो ये फिक्स हो जाएंगे। और अभी यहाँ पर ये फिक्स नहीं, सॉरी फिक्स फिक्स टुगेदर या तो फिक्स हो रहे हैं, इसको ये डायमेंशन को डिलीट किया, इसको मूव करना है, समझो यहाँ पर ये मूव किया, तो दोनों एलिप्स भी मूव हो रहे हैं, उसके साथ में लाइन भी मूव हो रही है। अगर एज ए ज्वाइंट वो स्केच अगर दिखाना है तो फिक्स टुगेदर किया जा सकता है। बाद में यहाँ पर ऑटो कांस्टेंट अगर लेते हैं तो ऑटोमेटिक कांस्टेंट यहाँ पर तैयार हो जाएगा। कोई भी स्केच अगर फुली फुली डिफाइंड रहता है तो वो ग्रीन कलर में आता है, अंडर डिफाइंड रहेगा तो व्हाइट कलर में रहता है, और ओवर डिफाइंड होता है तो यहाँ पर पिंक या येलो कलर में वो दिखाया जाता है। ऑटो कांस्टेंट देने की वजह से स्केच को ऑटोमेटिकली कांस्टेंट तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर ये स्केच सभी सिलेक्ट किया और डिलीट किया, और भी कुछ रहेगा तो वो भी डिलीट कर लेते हैं, इसको जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पर कोई रेक्टेंगल बनाए, यहाँ पर सर्कल बनाए, ओके, और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली अगर डायमेंशन या फिर रिलेशंस देना है ऐसा आपको लगता है तो यहाँ पर ऑटो कांस्टेंट यहाँ पर लिया जा सकता है। ऑटो कांस्टेंट लिया, एलिमेंट्स टू बी कांस्टेंट, यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट को कांस्टेंट देना है ये सभी एलिमेंट सिलेक्ट किया। रेफरेंस एलिमेंट के लिए अगर कोई भी नई पॉइंट सिलेक्ट करते हो तो वो ओरिजिन से डायमेंशन तैयार हो जाएगा। मिट्री लाइन रेफरेंस एलिमेंट के लिए समझो ये लाइन सिलेक्ट किया, ये लाइन लिया और ये लाइन लिया, ओके दिया, सिमेट्री लाइन वैसे ज़रूरत नहीं है। ये डायमेंशन किस तरह से तैयार होना है, चेन लेना है, स्टेप लेना है, वैसे सिलेक्ट किया, तो ओरिजिन से सभी डायमेंशन तैयार होते हैं और वो फुली डिफाइंड हो जाता है, वैसा वो ग्रीन कलर में यहाँ पर दिखाया जाएगा फुली डिफाइंड रहने की वजह से। मतलब इसको अभी मूव नहीं किया जा सकता, अगर मूव करना है तो ये स्केच डायमेंशन को ही आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, डायमेंशन को ही आपको यहाँ पर मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर बाद में यहाँ पर ऑटो कांस्टेंट लिया तो ऑटोमेटिकली डायमेंशन यहाँ पर इसके ये डायमेंशन को डबल क्लिक करके मॉडिफाई किया तो ओरिजिनल स्केच भी मॉडिफाई होता है, समझो इसको 600 करना है तो 600 टाइप किया तो इसका गैप यहाँ पर ये सर्कल अभी नज़दीक आया रहेगा, तो वैसा डायमेंशन आप मॉडिफाई कर सकते हो। बाद में अगला आता है एनिमेट कांस्टेंट, कोई डायमेंशन स्पेसिफिक इस साइज में कैसा दिखेगा और दूसरे साइज में कैसा दिखेगा वो एनिमेट करके देखना है, तो यहाँ पर एनिमेट कांस्टेंट यहाँ पर लिया जा सकता है। अभी इसका रेडियस का वैल्यू कितना है, 103 के आसपास है, ये 20 लिया तो कैसा दिखेगा और 200 लिया तो कैसा दिखेगा वो अगर देखना है तो एनिमेट कांस्टेंट लिया। ये अभी फर्स्ट वैल्यू इसका 103 है, इसको समझो समझो 20 करना है, फर्स्ट वैल्यू 20 लिया और लास्ट वैल्यू यहाँ पर 200 लिया, ओके, कितने स्टेप्स में कम ज़्यादा करना है, समझो 10 स्टेप में कम ज़्यादा करना है तो 10 स्टेप में कम ज़्यादा किया जा सकता है। यहाँ पर रन एनिमेशन लिया, तो ये एक ही बार एनिमेट करके दिखाता है, ये कंटिन्यूअसली चलते रहना तो यहाँ पर लूप ऑप्शन लिया और यहाँ पर एनिमेट ऑप्शन लिया, तो ये कम ज़्यादा होके आप देख सकते हो, तो वैसा कम रहेगा तो कैसा दिखेगा और मैक्सिमम
मैक्सिमम रहेगा तो कैसा दिखेगा वो आपको समझ में आ सकता है। ये एनिमेट करने के लिए रहेगा, नहीं तो ज्यादा इस्तेमाल नहीं है उसका। अगर आपको कांस्टेंट मॉडिफाई करना है तो आपको उस डायमेंशन पर डबल क्लिक करके ही उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। समझो इसको मॉडिफाई करना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। समझो कितना करना है, समझो 200 करना है तो 200 कर लिया तो इसका डायमेंशन 200 हो जाएगा। ये इंडिविजुअल आपको डबल क्लिक करके मॉडिफाई करना पड़ता है। एक साथ में सभी का साइज कम ज्यादा करना है तो यहाँ पर एडिट मल्टी कॉन्स्टेंट लिया तो एक साथ में सभी का साइज कम ज्यादा किया जा सकता है। ये अभी इसका लंबाई 600 है, करंट वैल्यू इसको 600 है, उसको समझो 800 करना है तो 800 सेट किया तो एक टाइम में 5-6 डायमेंशन आप मॉडिफाई कर सकते हो। ये 202 कौन सा है, नहीं ये कितना है, 304 है। 304 वाला वैल्यू कौन सा है यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये 304 का वैल्यू है, ये भी कम करना है तो यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर बदला जा सकता है। समझो 100 का ही करना है तो 100 टाइप कर लिया तो 100 किया जा सकता है। बाद में ऑफसेट कितना है, ये 172 का है, ये 100 का करना है तो 100 टाइप किया। यहाँ पर दूसरे बॉक्स पर, दूसरे डायमेंशन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये चेंज हुए देखना है तो यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा तो वैसा चेंज होके देखा देखा जा सकता है। ओके दिया तो वो सेट किया जाएगा। तो एक टाइम में अगर ज़्यादा डायमेंशन, 4-5 या उससे ज़्यादा डायमेंशन अगर मॉडिफाई करना है तो एडिट मल्टी कॉन्स्टेंट से आप मॉडिफाई करके देख सकते हो। यहाँ से भी स्केचर से बाहर निकलना है तो यहाँ पर एग्जिट वर्कबेंच लिया तो स्केचर से हम बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर भी व्यू का टूल बार आता है। यहाँ पर ये सभी ड्राइंग एक स्क्रीन पर फिट बैठाना है तो फिट ऑल नहीं लिया तो मैक्सिमम साइज में बिठाया जा सकता है। पैन करना है तो यहाँ पर मिडल माउस प्रेस किया, पैन बटन प्रेस किया और लेफ्ट माउस प्रेस करके ड्रैग किया तो स्क्रीन को ड्रैग किया जा सकता है ताकि कोई बड़ा ड्राइंग रहेगा, राइट साइड में भी ड्राइंग का कुछ हिस्सा बाकी रहता है तो वो भी हम देख सकते हैं। अगर रोटेट करना है तो साइज बड़ा छोटा करके देखना है तो जूम इन जूम आउट यहाँ पर किया जा सकता है। या फिर कंट्रोल या शिफ्ट बटन प्रेस किया, मिडल माउस प्रेस किया और ड्रैग किया तो जूम इन जूम आउट किया जा सकता है। रोटेट करना है तो मिडल माउस प्रेस किया, राइट माउस प्रेस किया और ड्रैग किया तो रोटेट किया जा सकता है। या फिर रोटेट के लिए इधर से भी रोटेट आप कर सकते हो। ये भी प्लेन स्क्रीन को परपेंडिकुलर लाना है तो नॉर्मल भी लिया तो स्क्रीन को परपेंडिकुलर वो लाया जा सकता है। अभी यहाँ पर क्रिएट मल्टी व्यू, यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही व्यू दिख रहा है। समझो कोई सॉलिड पार्ट बनाया रहेगा, जो सॉलिड पार्ट बनाया हुआ है वो 4 व्यू में दिखना है तो यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया, समझो ये प्लेन सेलेक्ट किया, ये 4 व्यू में अगर दिखाना है तो यहाँ पर मल्टीपल व्यू लिया जा सकता है। तो यहाँ पर ये फ्रंट व्यू, ये राइट व्यू, ये टॉप व्यू, कौन सा व्यू चाहिए यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है। क्रिएट मल्टी व्यू लिया तो एक टाइम में 4 व्यू आप देख सकते हो। वापस सिंगल व्यू में आना है तो यहाँ पर क्रिएट मल्टीपल व्यू बटन पर क्लिक किया तो हम वापस सिंगल व्यू में आ सकते हैं। यहाँ पर भी व्यू चेंज करना है, समझो आइसोमेट्रिक व्यू लेना है तो आइसोमेट्रिक व्यू लिया तो आइसोमेट्रिक व्यू देखा जा सकता है। फ्रंट व्यू लेना है तो फ्रंट व्यू सिलेक्ट किया, राइट व्यू लेना है तो यहाँ पर राइट व्यू आप सिलेक्ट कर सकते हो। कैसा व्यू चाहिए वो यहाँ पर सिलेक्ट करके देखा जा सकता है। अगला आता है 3D पार्ट कौन से विजुअल स्टाइल से सेट करना है तो विजुअल स्टाइल यहाँ पर सेट किए जा सकते हैं। शेडेड विथ एजेस लिया तो सिर्फ एजेस दिख जाएगा, या फिर वायर फ्रेम में दिखनी है तो वायर फ्रेम सिलेक्ट किया तो सिर्फ एजेस दिखाई देता है। अगर ये रेंडरिंग करके देखना है तो यहाँ पर शेडिंग विथ मटेरियल आपको लेना पड़ेगा तो ही अप्लाई किया हुआ मटेरियल आपको देखने को मिलता है, वो रेंडरिंग का भाग आता है। कोई पार्ट हाइड करके रखना है
समझो यहाँ पर कोई लाइन वगैरह हाइड करके रखनी है, तो ये सिलेक्ट किया और इसको हाइड करके रखा, तो वो लाइन जो है वो हाइड के विंडो में चली जाती है। वापस उसको शो करना है तो यहाँ पर शो ऑप्शन लिया, शो विजिबल एजेस लिया, तो हाइड का अलग से विंडो आता है, तो वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये अलग से विंडो आता है, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। वापस इसको शो के विंडो में अगर लेके जाना है, तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये कौन सा है, स्वैप विजिबल स्पेस लिया, तो वापस ये शो के विंडो में आया आया जा सकता है। ये सिलेक्ट किया, यहाँ पर हाइड शो बटन पर क्लिक किया, तो ये वापस शो के विंडो में चला जाता है। यहाँ पर स्वैप विजिबल स्पेस लिया, तो हम जो नॉर्मल जो स्केचिंग है, नॉर्मल जो व्यू का विंडो है, उसमें हम आ सकते हैं। इसको भी यहाँ पर स्केचर से बाहर निकलना है, हम एग्जिट स्केचर ले सकते हैं। यहाँ पर ये कंपास का इस्तेमाल करके हम पार्ट को रोटेट करके देख सकते हैं। मूव करना है तो यहाँ पर मूव लिया जा सकता है, रोटेट करना है तो रोटेट यहाँ से भी आप कर सकते हो। या फिर मूव करना है तो मूव यहाँ पर किया जा सकता है। नया फाइल बनाना है तो फाइल में जाके यहाँ पर न्यू कमांड लिया और यहाँ पर पार्ट सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर पार्ट बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर पार्ट बनाया जा सकता है। नया पार्ट आप बना सकते हो, कोई फाइल बनाए हो उसको ओपन करना है तो ओपन कमांड यहाँ पर ली जा सकती है, ओपन ली जा सकती है। कोई फाइल बंद करनी है तो यहाँ पर क्लोज ऑप्शन लिया तो क्लोज की जा सकती है। पहली बार सेव करना है तो सेव एज लिया जाएगा, तो इसको सेव किया जा सकता है। यहाँ पर कोई ड्राइंग का पार्ट लिया जो पार्ट 3, इसको सेव करके रखना है तो फाइल में जाके सेव एज लिया, ये कैट पार्ट लिया तो ड्राइंग में वो सेव किया जाएगा। अगर ऑटोकैड में ओपन करना है तो यहाँ पर DWG ऑप्शन दिया जा सकता है, DWG ऑप्शन है नहीं यहाँ पर DWG नहीं है शायद, DWG में यहाँ पर सेव नहीं किया जा सकता, CGICAM STL फॉर्मेट, यहाँ पर स्केचर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं इसमें, इसको सेव करके रखना है, सेव एज लिया, यहाँ पर कैट पार्ट लिया तो कैटिया में ही वो सेव हो जाएगा, ICAM VGS WRL, शायद DWG का ऑप्शन नहीं है, या फिर PDF में भी सेव नहीं किया। यहाँ पर ओपन करके देखते हैं, यहाँ पर फाइल में जाके सेव एज लिया, यहाँ पर PDF वगैरह का ऑप्शन है नहीं, PDF का भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कैटिया में ही वो ड्राइंग फॉर्मेट में वो सेव किया जा सकता है, सॉरी कैटिया के फॉर्मेट में वो सेव किया जा सकता है। अगर कहाँ पर सेव करना है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, डी ड्राइव में किधर किधर आपका फोल्डर रहेगा उधर आप सेव करके रख सकते हो। डी ड्राइव में किधर सेव करना है, इसमें डी ड्राइव कैटिया का फोल्डर लिया, कहाँ पर समझो कैटिया का फोल्डर लिया तो उसमें सेव करके रखा जा सकता है। यहाँ पर
अभी क्या हो गया, कांस्टेंट टूल बार हो गया, ऑपरेशन टूल बार हो गया, और व्यू का टूल बार हो गया।